बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं दम पोख्त, तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने 2 किलो गोश्त लिया है, इसमें हमने 2.5 टेबल स्पून नमक ले लिया है और इसके ऊपर डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि तमाम गोश्त के ऊपर नमक लग जाए और इसको हम 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हमने एक भारी पैंदे वाला बर्तन लेना है और उसमें हमने सबसे पहले जो चर्बी है वो डाल लेनी है। चर्बी हमने ली थी 1/2 kg। इसके बाद ऊपर हमने नमक लगा हुआ गोश्त शामिल कर लेना है इस पर। अब हमने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको दरमियान से कट कर लिया है, 4 पीसेस बना लिए हैं वो रखने हैं, और 4 टमाटर लिए हैं वो भी हमने दरमियान से कट करके उसके पीसेस बना लिए थे वो रखेंगे हम इस पर, और लहसुन लिए हैं 2 वो भी हमने इसके ऊपर रख देने हैं, और आलू हमने रखने हैं, दरमियाने साइज़ के आलू हैं ये, इनको हमने छीलना नहीं है, लेकिन अगर आप छीलना चाहते हैं तो छील के भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद हमने सब्ज़ मिर्चें इसके ऊपर शामिल कर देनी हैं, 2 टेबल स्पून हमने काली मिर्च शामिल करनी है और 4 टेबल स्पून हमने लेमन जूस शामिल कर लेना है। अब इसके ऊपर हमने जो बीफ थोड़ा सा बचा लिया था वो इसके ऊपर शामिल करेंगे, और बाकी बचे हुए टमाटर, आलू और सब्ज़ मिर्चें इसके ऊपर शामिल कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से हमने बिल्कुल बैलेंस रखना है। 1 कप हमने इसमें पानी शामिल कर लिया है। अब हम इसको आटे की मदद से बंद कर देंगे, ढक्कन लगा देंगे इसके ऊपर और अच्छी तरह से प्रेस करके इसको चूल्हे पे रखेंगे और 10 मिनट के लिए हम इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे, और इसके बाद हमने 90 मिनट्स के लिए इसको बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर पका लेना है। टाइम हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसका ढक्कन उठा लेंगे। दम पोख्त हमारा बिल्कुल रेडी है, गोश्त अच्छे से गल चुका है, आलू भी गल चुके हैं, और इसमें जो टमाटर आपको नज़र आ रहे हैं वो भी अच्छे से गले हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक दें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।